बहुत सारी औषधियों के विषय में हमने आपको बताया, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अपने बहुत सुना है, देखा है, जाना है और जीवन में काफ़ी आजमाया है इसके परिचय के विषय में। हालांकि इसका जो पौधा है इसको देख करके आप बेशक इसको पहचान ना पाए, परंतु जब आप इसके कंद को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको पहचान जाएंगे। यह है आलू, जिसको आप पोटैटो या आलू के नाम से जानते हैं, और इसका बॉटनिकल नाम है सोलेनम ट्यूबरोसस की जो प्रजाति है। यह जो पोटैटो है, आलू जो है, वह पूरे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर प्रयोग किया जाता है। यदि खाद्यान्न के रूप में देखा जाए तो पूरे विश्व के अंदर जो समानता के साथ सेवन किया जाता है उसको हम इस आलू के रूप में पहचान सकते हैं। यह आप देख रहे हैं, जिस खेत में मैं बैठा हूँ यह आलू का खेत है। वास्तव में आलू का नाम सुनते ही आपके मन के अंदर चित्र विचित्र बातें आ जाती हैं। फिर मैंने आलू के संदर्भ में काफ़ी अध्ययन किया, क्या वास्तव में आलू हमारे लिए सेवनीय है या असेवनीय है। तो हमने पाया, हालांकि आलू ये हमारे देश का मूल पौधा नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका इसके मूल उत्पत्ति स्थान अमेरिका है, या दूसरे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दूसरे देशों में ये पैदा हुआ, अमेरिका की जगह दूसरे कंट्रियों को मानते हैं, परंतु यह निर्विवाद रूप से इसका जो ऐतिहासिक वृत्त है वो ऐसा माना जाता है कि जो आलू है, आलू की जो उत्पत्ति भूमि है वह भारतवर्ष नहीं है, परंतु आज भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ा विभाग इस आलू के लिए कार्य करता है, और बहुत सारी संस्थाएं और संगठन भी आलू की प्रजातियों को विकसित करने के लिए, इनको बहुत विभिन्न प्रजाति और इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो हालांकि आलू को लेकर के बहुत सारी हमारे मन के अंदर पूर्वाग्रह और भ्रांत अवधारणाएं भी हैं, तो कुछ कुछ हम लोग इसको लेकर के ज़्यादा विश्वास में भी हैं।